गुलबर्गा शहर में अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज यानी 25 जनवरी को सभा फंक्शन हॉल में एक रोजा उमरा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर गुलबर्गा में हज और उमरा के लिए किसी भरोसेमंद ट्रैवल्स की तलाश की जाए तो सबसे पहला नाम अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स का आता है। अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स एक कदीम ट्रैवल्स है जो पिछले 25 सालों से हुज्जा जिक्राम की खिदमत करते आ रहा है। 28 जनवरी, 12 फरवरी और 15 अप्रैल को उमरा जाने वाले हजरात के लिए एक रोजा तरबियती और तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही पिछले ग्रुप के जरिए नवंबर और दिसंबर महीने में उमरा जा चुके हुज्जा जिक्राम के लिए भी तहनीती प्रोग्राम रखा गया था। इस तरबियती कैंप के जरिए तमाम उमरा जाने वाले हजरात के लिए उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा कर चुके लोग काफी मुतमईन होकर इस ट्रैवल्स की तारीफ कर रहे हैं। अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स सिर्फ गुलबर्गा नहीं बल्कि नॉर्थ कर्नाटका में एक भरोसेमंद ट्रैवल्स है जो पिछले 25 सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहा है। हर महीना अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स में उमरा पैकेज अवेलेबल है। अगर आप उमरा की शहादत हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मिजगोरीगंज रोड पर करीम होटल के अपोजिट मौजूद अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। इसको आप हैंड कैरी हाथ में ले जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर। इसके अंदर आपको जो वजन लेना है ज्यादा से ज्यादा 7 किलो वजन ले सकते हैं। याददाश्त बराए अरकान उमरा ये अपने साथ में रखें। उमरे में क्या क्या काम हैं, जिस काम से फारिग हो गए, जिस अमल से फारिग हो गए, अपने पेंसिल से या पेन से टिक लगा लें ताकि कोई अमल छूटने ना पावे, ये जहन में रहेगा इंशाल्लाह। चलिए अभी उमरे का एहराम मर्द और औरतें जो उमरे को जा रहे हैं जहन में बिठा लें। उमरे का एहराम हैदराबाद में बांधेंगे, गुसल अपने को अपने घर से करना है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहां पर गुसल का इंतजाम नहीं रहेगा, पानी नहाने का इंतजाम नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे, सफर से पहले नहाने से पहले अगर हमारे सर के बाद 40 दिन से ज्यादा कटिंग करके 40 दिन से ज्यादा हुआ है, कटिंग मना लें, नाखून बड़े हैं, 2-3 दिन हुआ है कोई हरज नहीं, फिर नाखून काटने की जरूरत नहीं। नाखून बढ़ गए हैं या कुछ जोना आ गए हैं फिर बढ़ने का इम्कान है तो नाखून भी तराश लें। मर्द आदमी क्या करेंगे, ऐसी 2 चादरें होंगी, एक नीचे तयबंद के लिए, एक ऊपर दोनों शानों पे डालने के लिए। मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसा ले लिए, एक हिस्सा अंदर एक हिस्सा बाहर, आपका एहराम बंद गया। दूसरा तरीका क्या है, जो नीचे का तयबंद है इसमें क्या करिए, इसके 2 किनारे हैं, ये 2 किनारों को डबल कर लीजिए, 1.5 मीटर का हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा अंदर दिख रहा है आपको, दिखा, सब देख रहे हैं। ये क्या करना है, ये ऊपर ये एक हिस्सा अंदर लेके जाओ, एक ऊपर हिस्सा, एक हिस्सा ऊपर ला लो, खत्म हो गई बात। चादर का एक टुकड़ा ऊपर ऐसा डाल लेंगे, खत्म हो गई बात। दुआ मांगने में पहले कि अल्लाह की हम्द सना करना है, अल्लाह की तारीफ हम्द सना करना है। दूसरा क्या करना है, हुजूर पर दुरूद पढ़ना है। 4 कोने हैं, ये कोनों को याद रखो। एक कोना वो है जिसमें हजर अस्वद है, जहां से तवाफ शुरू होकर खत्म होता है, उसको रुकने हजर अस्वद कहते हैं। दूसरा कोना है उसको रुकने इराकी कहते हैं। तीसरा कोना है उसको रुकने शामी कहते हैं और चौथा कोना है उसको रुकने यमनी कहते हैं। रुकने यमनी के ऊपर क्या है, ऐसी सुनहरी पट्टी ऊपर से नीचे तक है, उसके बाद वाला कोना ये टुकड़े टुकड़े सुनहरी कलर के पट्टियां, ये जो है ना हजर अस्वद है, यहीं से तवाफ शुरू होता है, इसी के अंदर हजर अस्वद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ हागरगा रोड पर सभा फंक्शन हॉल में
अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से दो उम्रा के ग्रुप के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है और तरबियती प्रोग्राम की एक नशिस्त मुकम्मल हुई। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो इस इलाके का मुस्तनद और काबिल एतमाद इदारा है, जो ज़ायरीन और हुज्जाज इकराम की बहुत अच्छी रहनुमाई के साथ उलमा इकराम की निगरानी में और मसाइल की रोशनी में हज और उम्रे के सफ़र के इंतजाम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी गुज़िश्ता ग्रुप के अंदर इस ग्रुप से जाने का मौका मैसर आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन तमाम अहबाब की तमाम खिदमतों को बहुत ही खूबी के साथ देखा, तो उसको बहुत ज़्यादा जितना आम तौर पर लोगों के जहन के अंदर ये बात आती है कि किस तरीके की सहूलियात वग़ैरह होगी और किस तरीके की रहनुमाई होगी, जितना सुनने के अंदर आता है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमात है, इसको हमने महसूस किया। और आज भी तकरीबन दो ग्रुप जो 28 जनवरी को एक जाने वाला है और 22 फरवरी को जाने वाला है, 100 से ज़ायद अफराद तकरीबन इन दो ग्रुपों के अंदर है। इन तमाम अहबाब की तरबियती नशिस्त के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहबाब काबिल खुशकिस्मत हैं और काबिल मुबारकबाद भी हैं। जो अहबाब इस चैनल के ज़रिए से अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तमाम तफसीलात को देख रहे हैं, उनमें से भी अगर कोई अहबाब उम्रा वग़ैरह का इरादा रखते हैं तो बहुत अच्छा काबिल एतमाद ये इदारा है, आप हजरात इसके ज़रिए से अपने सफ़र का इरादा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदल लिलआलमीन। आज बरोज 25 जनवरी 2024 जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक रोज़ा उम्रा तरबियती व तहनीती कैंप रखा गया था, जिसमें 28 जनवरी, 12 फरवरी और 15 अप्रैल को जाने वाले अहबाब के लिए ट्रेनिंग कैंप था, और जो अहबाब नवंबर और दिसंबर में जाकर आ चुके हैं उनके लिए तहनीती कैंप था। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर तफसीली तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर की नशिश तक अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी और वहाँ के आदाब व मसाइल तमाम चीज़ें तफसीली तौर पर आने वाले ज़ायरीन के सामने आ चुके हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो गुलबर्गा में ही नहीं बल्कि नॉर्थ कर्नाटका के अंदर एक जाना पहचाना ट्रैवल्स है, जो मुसलसल पिछले 25 सालों से हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहा है। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की खसूसियात में से ये है, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत यह कहना पड़ रहा है, अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स में जितने भी अहबाब हैं तमाम के तमाम उलमा इकराम हैं और दीन से भी वाकिफियत रखते हैं और दुनियावी लाइन से भी वाकिफियत रखते हैं, और वहाँ के जो मसाइल जो ग्राउंड लेवल आते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो अहबाब भी एक मरतबा अल सईद से जाकर आएंगे तो वो लोग यहाँ से बिल्कुल मुतमईन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने उम्रे के ग्रुप जाते हैं। आप लोग इसके लिए मज़ीद जानकारी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो मीडिया के ज़रिए से भी जान सकते हैं, और जो अहबाब जाकर आ चुके हैं उनसे भी तासुरात ले सकते हैं।